हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम कटिंग करेंगे शर्ट। मेजरमेंट दोस्तों आपका स्क्रीन पे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ तकरीबन हाफ इंची इधर मार्किंग करेंगे एक ठो। फिर यहाँ पे हम इसके मार्जिन एक इंची एक सूत कम देंगे, एक इंची एक सूत यहां भी देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर ये किनारी पल्ला जो आपका वेस्ट कटेगा उस जगह से, जैसे मेरा यहां पे कट रहा है, तो यहां से हम 1.25 इंच लेंगे। यहां भी मेरा कटेगा, यहां से हम 1.25, यहां भी मेरा कटेगा 1.25, और इस मार्का को हम सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेंथ मेरा है 28 इंची, तो 28 को यहां पे रखेंगे इस वाले मार्के पे। ये क्योंकि कटेगा, इसमें मेजरमेंट पूरा रेडी रहेगा, तो हम 28 पे यहां पे मार्का लगा देंगे। यहां हाफ इंची हम मार्जिन दे देंगे एक्स्ट्रा दबाने के लिए। फिर इसे भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद फिर हम जो है ना इसका शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर है मेरा 17.5, तो 17.5 का आधा करेंगे हाफ, तो 17.5 का हाफ आएगा मेरा 1.9 इंच। 1.9 इंच पर हम यहां रखेंगे, और यहां हाफ इंच मार्जिन के लिए, और यहां पे हम रखेंगे इसका नीचे 1.25 इंच। यहां पे रखेंगे हम इसे 2.5 इंच। अगर आपका जैसे कॉलर अगर बड़ा है, और उसके बाद अगर चेस्ट ज्यादा बड़े का है, ये मेरा चेस्ट है 34 इंची का, तो 34 इंची का 2.5 दिए हैं। अगर आपका 36-38 रहा तो 2.5 इंची एक सूत देंगे। अगर 38 से 39 तक है तो 2.75 दे देंगे। इस तरह से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका हाला के लिए 8 इंची देंगे। ये 34 इंची चेस्ट में 8 देंगे। अगर आपका 34 से 36 तक है तो 8.25 देंगे। क्या कहते हैं, 35 अगर रहा 35-36 तक तो 8.25 देंगे। अगर आपका 40-39 है तो 8.5 देंगे। आपका अगर 40-42 तक चेस्ट है उसमें भी 8.5 ही देंगे। तो आइए अब इसे हम इस मार्का से, ये वाला मार्का जो है इसमें हम सीधा कर लेते हैं। इसको हो गया। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं। मेरा है 34 इंची चेस्ट है। यहाँ पे सबसे पहला ये जो बटन का मार्का है, यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 इंची एक सूत इसमें। अब यहां से हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। मेरा है 34, तो उसका आएगा 8.5 इंची, चौथाई भाग करना है। 34 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। तो 8.5 को हम यहां पे रखें। अब यहां पे हम ये लूजिंग देंगे। लूजिंग इसका मीडियम फिटिंग है, तो 4 इंच लूज देंगे। ये 1 इंच हम यहां पे रख दिए और ये मेरा इतना आ गया। तो और एक चीज है, जैसे कि आदमी 34 हुआ, उसका हिप नापते कितना है क्या है, तो वो हिप अगर उस तरह से है, ये लड़का टाइप का, तो इसको हम ज्यादा हिप नहीं देंगे। ये 10.25 है, तो यहाँ 10.25 को हम 1/2 रख के कटिंग कर दें। 1/2 इंच इससे कम देंगे। जिसका पेट नहीं है उसके लिए, अगर पेट है जिस आदमी का, तो उसको फिर अपना पेट का नापी के मुताबिक आप उसका मेजरमेंट करके काट सकते हैं। तो पेट का नापी के लिए क्या है कि जैसे मेरा मान के चलिए इसका 30 इंची कितना है, 32 इंची पेट है, तो 32 को हम फिर रखेंगे यहाँ पे। यहाँ भी हम बटन का मार्का दे देंगे 1/2 इंच एक सूत पर ये। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रखेंगे 8×4=32, तो इसका भी हम मतलब चौथाई हिस्सा करना है। तो 8×4=32 हुआ, 32 को फिर हम यहाँ रखेंगे। फिर इसमें भी हम 1 इंची लूज दे देंगे, ये मेरा यहाँ पर आएगा। यहाँ से तकरीबन आपको करना है इसका मतलब पेट का लंबाई कितना, ये नापना पेट का किस जगह पर, यहाँ से आप 15.5 इंची ले लेंगे। ये 15.5 पे हुआ। अब इसे हम यहाँ से मार्कर कर देते हैं। ये इसको सेव स्क्वायर को थोड़ा यहाँ पर सेव देना है। ये हो गया है। अब इस चीज को देखिए, यहां जितना है इसको आप मार्का कैसे करेंगे, यहां पे मेरा जितना कच्चा आ रहा है
सवा नौ इंच है, तो यहाँ भी हम सवा नौ इंच में मार्किंग करेंगे। एक तो सवा नौ में हो गया, अब यहाँ से एक इंच हम अंदर माइनस लेंगे, अंदर मार्किंग करना है, और इस मार्का को इस मार्का से हमको मिलाना है। ये हो गया, अब इसका हाला को हम गोलाई कर देते हैं, और अब हम इसे यहाँ पे, ये है यहाँ इधर इसका बॉटम है राउंड, तो राउंड को अब दो इंच यहाँ पे रखेंगे हम, तो इसे हम नीचे से लेके ये मार्का से गोलाई कर देंगे इस तरह से। चलिए दोस्तों इसे हम कट करते हैं। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन आप हाफ इंच भी दे सकते हैं, हाफ इंच देंगे तो आपका बॉटम जो इसका इसका सिलाई मतलब लुंगी जैसे मोड़ते हैं उस तरह से मोड़ेंगे तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। हाफ इंच मार्जिन में इसका लुंगी मोड़ने लगा, ये ऐसे ही डायरेक्ट मुड़ेगा, तो इसीलिए इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा दे दिया है। सामना कट चुका है, अब हम बैक कटिंग करते हैं। इसका सवा दो फैब्रिक है, इस तरह से हम इसे रखेंगे। इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, इसमें 11 इंच आ रहा है, इधर भी हम 11 देंगे, ये सीधा हो चुका है। अब इसका देखिए, इस पल्ले से ये जो आपका मार्का है ये दिख रहा है, ये वाला मार्का, ये हाफ इंच एक सूत में लगाएं, इस पर हमको ये अंदर वाला पल्ला को रखना है, जो मतलब बैक पल्ला है इस पर रखेंगे। इस तरह देख रहे हैं, ये मेरा पल्ला बैक का यहां पर है, ये इतना पर। अगर आपको इस तरह से मोड़ना है, अगर बैक के आपका सामना मोड़ना है तो आपको ज्यादा रखना होगा सामना को, यहाँ पे एक इंच से पौने इंच आपको बैक कटिंग करेंगे तभी आपका सामना मोड़ने से परफेक्ट आएगा। ये मेरा हो चुका है, अब इसे हम शोल्डर का यहाँ पे इस जगह में जो है, यहाँ से ये कटा हुआ सामना जो है इससे हाफ इंची हम नीचे लेंगे इसका, और इसका शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर है मेरा 17.5 इंची, तो 17.5 में से हम यहाँ देंगे 17 इंची के इसमें रखेंगे, 8.5 हुआ ये, और इसका हाफ इंच मतलब जितना दबाव चाहिए वो दे देंगे। ये हो गया, अब इसे हम बैक को कटिंग कर लेते हैं। सो गोलाई करके यहाँ पे बैक का मार्का इस तरह से सीधा कर देंगे, इस जगह से हाफ इंच आपको बैक कम काटना है, इसको हम सीधा कर लेंगे इसी में। बैक में बैक को बैठने में इसका सामना बैठा के इस तरह से कटिंग करके ये मेरा बैक सामना कट चुका है, और इसको हम मेजरमेंट करते हैं। अब यहां 1 इंची इस कच्चा जगह से 1 इंची रख के अब इसे हम मेजरमेंट करते हैं कितना मेरा हाला है। ये 9 इंच आ रहा है कच्चा, तो ये कम है थोड़ा सा, तो इसको हम बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे कैसे, इसको थोड़ा सा नीचे करके काट देंगे, जिसका अगर शोल्डर कम रहा है, इसका शोल्डर ज़्यादा है इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा से छाँटना पड़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ाना पड़ रहा है हाला को। अगर जिसका शोल्डर कम है तो उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसे हम काटते हैं, बाद में आपको हाला कटिंग नहीं करना पड़ेगा, जो एक बार हम फिक्स कट गया, ये देखिए 9.5 आ गया, परफेक्ट है, 9 इंची रेडी रहेगा, 9.25 इंच। अब इसका हम आस्तीन कटिंग करते हैं हैंड। हैंड को इस तरह से लेंगे डबल फोल्ड करके, इसको इस तरफ से भी काट सकते हैं। कपड़ा को हमें इस तरह रख देंगे यहाँ पे। अब इसका मेजरमेंट करते हैं कितना है, ये 8.5 ये परफेक्ट आ जाएगा इसमें ज़्यादा। अगर आपका ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा चेस्ट का आ रहा है
उसको आप सिंगल पल्ला करके काटेंगे तो आपका आस्ते बढ़िया से कट जाएगा। यहाँ पे जो जितना मेरा मार्जिन जाएगा वो दे दिए। अब यहाँ से हम पौने इंच का मार्जिन देंगे, यही फोल्ड होगा मेरा सामने में, ये ओवरलॉक से नहीं बनेगा, बनेगा तो डायरेक्ट इससे। तो आपको इस तरह से रखना है। इसका मेरा हैंड है 23 इंची, तो 23 को यहाँ पे रखेंगे हम इस वाले मार्का पे, ये वाले, ये मार्का मेरा हो गया कटने का, ये मार्जिन जाएगा दबाओ, यहाँ पे रेडी रहेगा। तो 23 इंची को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम 2 इंची माइनस करके मार्किंग करेंगे, छोड़ के 2 इंची एक्स्ट्रा। ये कफ मेरा लगेगा 2.5 इंची का, तो 2 इंची पर मेरा ये कफ लगेगा, यहाँ पे कटेगा और ये 2.5 इंची पर मेरा रेडी हो जाएगा, 2.5 इंची का कफ लगेगा। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे अब रखेंगे हम इसे 5 इंची रखेंगे, ये कच्चे वाले मार्के पे, इस मार्के से 5 इंची हम यहाँ रखते हैं और इसको हम सीधा कर देते हैं। और इसको अब हम यहाँ से करीब तकरीबन 2.25 इंची एक सूत तक आपको सीधा मार्किंग करना है, इस तरह से हल्का क्रॉस करके। अब यहाँ से हम इसे क्रॉस कर देंगे इस तरह से गोलाई। अब यहाँ पे हम इसको मेजरमेंट करते हैं कितना चाहिए हमको, जैसे 9.5 वहाँ आया तो हम इसे 10 इंची काटेंगे हैंड, तभी आपका 1/2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, तब आपका आर्मर बढ़िया बैठेगा। तो हम इसको यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 8.5 पर, और इधर से हम नापते हैं इसको तो ये 10 पर रेडी आ जाएगा, कट जाएगा। अभी हम इसका मोहरी रखेंगे हम 6 इंची, इसमें मार्जिन इसी में, यहाँ इसका रेडी आएगा 5.5 इंच। इसको हम इस मार्का से इसको मिला के इसे हम मार्का कर देंगे, ये हो गया, और ये मेरा मार्जिन के लिए है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट चुका है मेरा, वैसे हम हाला मेजरमेंट करके देखिए 10 आ गया, परफेक्ट। अब इसे हम सामना के लिए निकाल लेंगे, ये हुआ फ्रंट कट, इस पर फ्रंट लगेगा, और ये बैक का आस्तीन पट्टी हम कट कर देंगे। बहुत जगह इसको चाक पट्टी कहता है, कोई मतलब गुल्फी पट्टी कहता है, वो हुआ, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ये 5 इंची पर यहाँ रहेगा कटिंग करना। अब इधर से आप 3.5-3 इंच पर तक कटिंग कर सकते हैं, ये हो गया। आप शोल्डर कटिंग करते हैं, इस तरह से कपड़ा लेंगे, शोल्डर कटिंग करने का देखिए आसान तरीका यह है कि आप इसका ये बैक को नापिए कितना है, बैक मेरा है पूरा कच्चा नापेंगे 9 इंच में एक सूत कम है, हम इसे यहाँ भी 9 इंच एक सूत में कम पर मार्का लगा देंगे, और ये हम इसको पहले सीधा कर लेंगे, ये जो किनारी पल्ला है मेरा कट जाएगा उसको हम, और यहाँ पे अब हम लगाएंगे इसको 6 इंच का मार्का, 6 इंच का शोल्डर रहेगा, यहाँ भी 6 देंगे हम, यहाँ भी 6 देंगे। इसको अब हमें कटिंग कर लेते हैं, ये मार्का कर लेते हैं। अब यहाँ हम 2.75 इंच देंगे, ये 34 चेस्ट का 2.75 है, अगर आपका 36-40 तक है तो 3 दे सकते हैं, 42 तक 3 चलेगा। अब इसका हम यहाँ पे 2.25 इंच मार्का करेंगे, सामना डाउन किए थे हम 2.25, तो इसको भी 2.25 ही मार्का करेंगे डाउन। अब इसका हम यहाँ पे ये नाप लेंगे कितना आपका है, ये सामने का 7 इंची है, तो यहाँ भी हम 2.25 के मार्का पर 7 इंची पर मार्किंग कर देंगे, और इस मार्का से इस मार्का को हम मिला देते हैं, ये हो, और फिर अब हम इसे यहाँ पे मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम लेंगे इसका 1.5 इंच नीचे, इस मार्का से इस मार्का के 1.5 इंच नीचे, अब इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे, और यहाँ पे हम इसे गोलाई कर देंगे इस तरह से। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं, इसको हल्का सा शेप दे देंगे यहाँ पे शोल्डर को, ये सीधा कट रहा है, इसे हम यहाँ से शेप दे देंगे हल्का सा। अब इसको हम यहाँ से बैठा के देख लेंगे, ये देखिए मेरा जहाँ पर बैठने का था बैठ गया, अब इसे हम इस तरह से बैठा लेंगे, ये देखिए परफेक्ट आ गया, अब कहीं कुछ दिक्कत नहीं। हाला का मेजरमेंट भी देखिए किस तरह से होता है, यहाँ 1/2 इंच दबाव है, यहाँ भी इसको हम दबाव दे देंगे, ये देखिए मेरा हाला
8 पौने यहाँ कच्चा आएगा 9:30 मतलब 9:15 तक आएगा रेडी, इसका 9:30 पे कट गया परफेक्ट। ये हाला मेरा बैठ चुका है। तो दोस्तों ये मेरा शर्ट काट चुका है। ओके थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।